ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, टॉम ने अपनी सारी वस्तुएं बाहर निकाली, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, जो उस समय उसके जेब में थी, ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ रस्सी की डोरी की टुकड़ियाँ थी, एंड टू आर थ्री ब्रोकन टॉयज, दो अथवा तीन टूटे फूटे खिलौने थे। नो वन विल व्हाइट वॉश द फेंस फॉर डेज, ही था, उसने सोचा कोई भी इतने सामान लेकर के सफेदी नहीं करेगा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे इससे भी बेहतर योजना बनानी पड़ेगी। ही थॉट एंड थॉट, उसने खूब गहराई से सोचा। सून शीघ्र ही ही हैड एन आइडिया, उसके मन मस्तिष्क में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, उसने दोबारा अपने ब्रश को उठाया, एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और काम करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, उसका मित्र बेन रोजर्स जो था उसी गली में उसकी तरफ आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, और टॉम ने बेन को ना देखने का बहाना बनाया। ही वर्क्ड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी ज़्यादा कठिन काम करना शुरू कर दिया। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, उसका मित्र बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्नचित दिख रहा था। ही वॉज प्रटेंडिंग, वह बहाना बना रहा था दैट की ही वॉज ए बिग शिप, कि मानो वह एक बड़ी जहाज हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, जैसे कि कोई उसको धक्का दे रहा हो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, वह काल्पनिक रूप से किसी को आदेश दे रहा हो। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रही हो। ही केम अप टू टॉम, यह सोचते सोचते बेन रोजर्स टॉम के पास आ गया। ही ट्रबल ही रब्ड हिज आईज, इसको काट दीजिए।